Hi guys, welcome back to my channel VVS Vlogs. I am Vinny Vatsing and I make video on beauty, fashion, travel, healthy lifestyle and many more other things. So before we start today's video, please do take out a minute and subscribe to my channel. Today's video is also all about doing makeup but with minimal products. Yes, I am going to use only 5 products and do this makeup look. बहुत सारे लोग जिन्हें मेकअप नहीं आता है और वो मेकअप सीखना चाहते हैं या वो बेसिक मेकअप लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ना तो उनको उनके बारे में पता होता है, ना उन्होंने उसका कभी नाम सुना होता है और वो और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं मेकअप को लेके। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कौन सा अच्छा बेस है, कौन सा अच्छा फाउंडेशन है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स के नाम लेते हो, इनमें से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और आज मैं सिर्फ 5 प्रोडक्ट, जो ऑब्वियसली हर किसी ने जिनके बारे में सुना होता है वो ही काम में लेके मैं आज ये मेकअप लुक करूंगी। सो नॉट टॉकिंग मच एंड कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छी टिप देना चाहती हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ जल्दी से मेकअप करना है, तो आप अपने फेस को फेस वॉश से धोने के बाद स्क्रब जरूर करिए। 2 से 3 मिनट माइल्ड स्क्रब अगर आप करेंगे तो फेस की जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, हमारा जो बेस मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेस होगा। तो मैं अपना CTM रूटीन कर चुकी हूँ, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मैं अपना कर चुकी हूँ। और सबसे पहले ही बात करते हैं अब हम पहले प्रोडक्ट की, जो कि है प्राइमर। प्राइमर ही मैंने क्यों सबसे पहला प्रोडक्ट बोला, क्योंकि प्राइमर जो है वो हमारे फेस को एक कैनवास देता है मेकअप करने के लिए। प्राइमर लगाने से हमारे जितने भी ओपन पोर्स है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो वैसे तो मार्केट में कई तरीके के फेस प्राइमर अवेलेबल है, बट अगर अफोर्डेबल रेंज में हम बात करनी चाहें तो मेरे लिए सबसे अच्छा प्राइमर जो है वो ये काम करता है, निविया का आफ्टर शेव बाम। इसके अंदर ग्लिसरीन है जो हमारे फेस पे आराम से चिपक जाती है और हमारे मेकअप को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। अगर आप और कोई प्राइमर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप ये 245 रुपीज की बॉटल लेके देखिए, ये ऐसे प्राइमर बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ही थोड़ा सा हमें ये चाहिए। प्राइमर लगाने के बाद ऑब्वियसली जो सेकंड बेसिक प्रोडक्ट है वो है फाउंडेशन। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फाउंडेशन के बारे में कि एक अच्छा सा बेस बताओ, फाउंडेशन बताओ और जो अफोर्डेबल भी हो। तो ये जो मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन है, ये पोरलेस फाउंडेशन है, मतलब जो आपके पोर्स है वो और भी छोटा कर देता है ये। और इसका शेड 230 नेचुरल बफ मैं काम में लेती हूँ। 230 का ये प्रोडक्ट है और छोटा सा बॉटल आती है, बट फिर भी ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम तक ये चलती है। और मेबलिन से अच्छे ड्रग्स फाउंडेशन कहीं पे भी नहीं है, स्पेशली अफोर्डेबल रेंज में। मैं आप लोगों को बेसिक ब्रशेज भी बताते चाहूंगी कि कौन कौन से ब्रश लेने चाहिए। जैसे फाउंडेशन लगाने के लिए 2 टाइप के ब्रशेज आते हैं, एक आता है स्टिपलिंग ब्रश जो इस टाइप का होता है, इसका जो हेड है ये यहाँ से फ्लैट होता है और ये इस तरह से फैला हुआ होता है, इसके ऊपर सीधे फाउंडेशन लगाओ और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे फाउंडेशन लगता है। या फिर फाउंडेशन हम जो है स्पॉन्ज से भी लगा सकते हैं, इस टाइप के स्पॉन्ज आते हैं, इसको हमें पूरा वेट करना होता है, अच्छे से वेट करके हमें पूरा इसका पानी निकाल लेना है। इवन आप टिश्यू पेपर में भी पानी अच्छे से स्क्वीज आउट उसका कर सकते हो। ब्रश के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कई बार ब्रश के स्ट्रोक्स के निशान हमारे फेस पे रह जाते हैं, बट इससे जो है फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस लगता है। जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट, जितना भी एक्सेस फाउंडेशन होगा, स्पेशली जिनको हैवी कवरेज फाउंडेशन नहीं पसंद, तो वो तो स्पॉन्ज ही काम में ले। इस तरीके से मैंने फाउंडेशन स्पॉन्ज के ऊपर ले लिया है। आप इसको बैक ऑफ द हैंड भी लगा सकते हो और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके फेस पे लगा सकते हो। मैंने सीधे स्पॉन्ज पे ले लिया है आज, और मैं पहले रैंडम डॉट्स लगा लेती हूँ और फिर इसको ब्लेंड करूंगी अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से। Keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread. जो तीसरा प्रोडक्ट मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो है एक कॉम्पैक्ट। तो मेरे पास मैक का ही कॉम्पैक्ट है और अफोर्डेबल कोई कॉम्पैक्ट मेरे पास था नहीं। कॉम्पैक्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने फाउंडेशन लगाया, कोई भी हम मूव भी लगाए, फाउंडेशन लगाए या हम फाउंडेशन स्टिक लगाए, हम किसी भी तरीके का जो बेस लगाएंगे उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आईज़ पे फाउंडेशन लगाया तो ये क्रीज हो रहा है यहाँ पे, जो इधर डार्क सर्कल यहाँ पे हमें हाइड करने होते हैं, यहाँ पे लाइंस बन गई है, तो अगर हम सेट नहीं करेंगे तो ऐसे फाउंडेशन की लाइंस बन जाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से थर्ड प्रोडक्ट जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरीके से कॉम्पैक्ट होंगी, इसको हम क्लीन कर लेंगे ऊपर से ऐसे करके, और मैं इसके ऊपर ऐसे करके कॉम्पैक्ट लगाऊंगी और इसको सेट करूंगी फाउंडेशन।
अब डिफरेंस देखिए, ये सेट हो गया है तो ये क्रीज नहीं हो रही है आई, और क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया तो ये क्रीज हो रही है। नेक्स्ट मेरे लिए जो प्रोडक्ट ज़रूरी है वो है ब्लश, क्योंकि हम फाउंडेशन लगा चुके हैं और जो हमारे फेस का नेचुरल जो पिंकनेस होता है, जो भगवान हमें नेचुरल चीक्स जो है हमारे पिंक करके भेजते हैं, वो हम ऑलरेडी फाउंडेशन लगा के इवन कर चुके हैं। मतलब हमारा पूरा फेस जो है वो कलरलेस लग रहा है, तो फेस में थोड़ा सा कलर्स डालने के लिए मेरे लिए जो ब्लश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉरियल पेरिस का मैंने ब्लश लिया है जो कि थोड़ा पिंक फ्यूशिया शेड में है, और ये 468 रुपीज़ का है। अगर आपको इससे भी नीचे रेंज में जाना है तो वेट एंड वाइल्ड का ब्लश भी है जो कि 299 रुपीज़ का है, और वेट एंड वाइल्ड के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसका हाइलाइटर स्पेशली बहुत अच्छा है। अब मैं जो है ब्रश इस टाइप से ब्रश पे लूँगी। ये ब्लश ब्रश जो है ये भी वेट एंड वाइल्ड का ही है, और इस तरीके से राउंड ब्रश है, और हमें कभी भी ब्लश लेना है तो हम ऐसे लेंगे इस तरीके से, ताकि ब्लश जब हम लगाएं तो फेस पे एकदम ऐसे करके लगाएंगे तो वो जो है एकदम ब्लॉब हो जाएगा कलर का। अगर हम इस तरीके से यूज़ करेंगे और इसी तरीके से लगाएंगे तो फेस पे कभी भी एकदम से कलर ऐसे डिपॉजिट नहीं होगा, और ब्लेंड करने में भी इजी रहेगा। हमेशा ऐसे शेड कर लो, और अभी हमें ज़्यादा स्माइल नहीं करना, थोड़ा सा स्माइल करना है ताकि जो हमारे चीक्स है वो थोड़े से राउंड हो जाए, और फिर वहाँ पे हमें जो एप्पल्स होते हैं चीक्स का, वहाँ पे हमें ब्लश लगाना है। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कलर आ गया, तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। प्राइमर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ब्लश, ये पांच चीज़ें मैंने अभी तक आपको बता चुकी हूँ, ये बेसिक होनी ही चाहिए नॉर्मल मेकअप के लिए। तो फिफ्थ और लास्ट प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमें पता है लिपस्टिक है, क्योंकि लिपस्टिक लगाए बिना हम लोग घर से निकलते नहीं हैं। तो मैं लिपस्टिक की जगह लिप ग्लॉस प्रेफर करती हूँ, और आप लिपस्टिक जो भी आपकी फेवरेट है आप वो लगा सकते हो। यहाँ पे बेयर मिनिमम पांच प्रोडक्ट्स के साथ हम मेकअप कर चुके हैं, और हमारा फेस मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बट बहुत सारे लोग मुझसे आई शेडो का भी पूछते हैं, जो बेसिक एक आई शेडो उनको चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से, मैं बहुत सालों से, जब मैंने पहली आई शेडो जो ली थी वो मैंने ये मेबलिन की द न्यूड्स ली थी, उसके अंदर बहुत सारे न्यूड्स और ब्राउन कलर है, और काफ़ी सारे नॉर्मल हाइलाइटिंग शेड्स भी हैं, ब्राउन शेड्स भी हैं। तो जो ब्राउन शेड्स है उससे आप अपनी आईब्रोज थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, आईज़ को कॉन्ट्रोलिंग दे सकते हो, फेस को कॉन्ट्रोलिंग दे सकते हो। तो मैं आईब्रोज पे लगाने के लिए जो है ब्राउन ये वाला मैट शेड ले रही हूँ, और आईब्रोज को जो है जो मेरे स्पार्स एरियाज है आईब्रोज के उनको फिल करती हूँ। इसको एंगल्ड लाइनर ब्रश हम बोलते हैं, तो इस टाइप से मैं इस पर ब्राउन आई शेडो लूँगी। और हमें आईब्रोज़ पे हमेशा ब्राउन कलर करना चाहिए, ब्लैक हम करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग सी लगेगी, नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। और अगर हम ब्राउन करेंगे तो आप ये देखिए कितने आराम से ये शेड जो है मेरे बालों के साथ भी मैच हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों जगह आईब्रोज फिल कर ली हैं, और आईब्रोज जो है फेस को कितना अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। अभी मैं सेम ब्राउन आई शेडो लेके, सेम देखिए आई शेडो पैलेट कितनी जगह काम आएगी, इसी को लेकर मैं अपनी जो वाटर लाइन है वहाँ पे हल्का सा शेडो देती हूँ। मैं अभी काजल नहीं लगा रही, जो काजल लगाते हैं वो काजल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईज में आई शेडो लगा लिया है वाटर लाइन में सिर्फ, और मेरा फेस अब काफ़ी हद तक कंप्लीट लग रहे हैं। तो आप देखिए मैंने कितना बेयर मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। तो फाइनली मैंने कितने प्रोडक्ट्स से काम में लिए, पहले पांच प्रोडक्ट काम में लिए थे, और अभी एक ही सिंगल आई शेडो पैलेट से मैंने अपनी आईब्रोज फिल करी और अपनी वाटर लाइन में थोड़ा सा कलर दिया, क्योंकि जैसे हमारे फेस पे कलर्स होते हैं, चीक्स पे कलर्स होते हैं, वैसे आईज पे भी हमारे थोड़ी बहुत जो नेचुरल ट्रांजिशन होता है वो गायब हो जाता है फाउंडेशन से, इसलिए हल्का सा मैंने आईज के नीचे आई शेडो लगाया है। लास्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और इसको लगा के मैं अपना आई मेकअप जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स का मैंने नाम लिया है वीडियो में और जो उसके ऑल्टरनेटिव्स है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, और लिंक भी डाल दूंगी कि उनको आपको बाय कहाँ से करना है, आप वहाँ से आराम से बाय कर सकते हैं। और आई होप मैंने आज सबकी क्वेरी सॉल्व कर दी होंगी। बहुत सारे लोग जो मुझे बोल रहे थे कि इतना कन्फ्यूजन होता है प्रोडक्ट्स को लेके, काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर आउट होगी होंगी,
और अब आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा मेकअप स्टार्ट करना सीखना. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड फ्रेंड्स देयर इज अ रिक्वेस्ट ऑल्सो, द ग्रोथ ऑफ माई चैनल इज नॉट दैट गुड, सो इट विल बी ग्लैड इफ यू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव. अंटिल देन बाय.